और वहीं आज से जनतंत्र टीवी पर बजट की महाकवरेज शुरू हो गई है। 5 जुलाई को पूरा दिन जनतंत्र टीवी पर देखिए और समझिए आसान भाषा में बजट। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट 5 जुलाई को पेश होगा। दूसरी बार सत्ता में आई मोदी सरकार अपने पहले और पूर्ण बजट में क्या कुछ खास करने वाली है, क्या इस बार के बजट में सरकार सर्विस क्लास को लेकर कुछ अहम घोषणाएं कर सकती है, क्या है सर्विस क्लास की बजट से उम्मीदें, जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता शंकर दत्त पंत ने। 5 जुलाई को मोदी सरकार अपना पूर्ण बजट पेश करने जा रही है। पहली बार देश में पूर्णकालीन बजट महिला वित्त मंत्री पेश करने जा रही है। इससे पहले आपको बता दें 1970 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बजट पेश किया था, उस वक्त वो कार्यवाहक वित्त मंत्री के तौर पर थी। आज हम नोएडा के एक ऑफिस में हैं, लोगों से जान रहे हैं कि आखिर बजट से उन्हें कितनी उम्मीदें हैं। आप बताइए, 5 तारीख को बजट पेश होने वाला है, क्या उम्मीद लगाकर बैठे हैं? सर देखिए, जब भी बजट आता है हमें उम्मीद होती है कि गवर्नमेंट मिडिल क्लास या लोअर क्लास के लिए कुछ ना कुछ इस तरह का बजट पास करे कि उनको कुछ हेल्प मिले। हमारे देश की 60% पॉपुलेशन गरीब है या उससे नीचे है, लेकिन गवर्नमेंट जो भी करती है कि टैक्स स्लैब कम करना, टैक्स स्लैब ज़्यादा करना, वो तो एक इनकम जिनका सोर्स अच्छा है उनके लिए सोचती है, लेकिन हमारा मेडिकल और हमारी एजुकेशन सिस्टम इतना ख़राब हो चुका है उसके लिए गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर पाती। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह का बजट बने कि जो हमारे मिडिल क्लास से जो नीचे का क्लास, मतलब लोअर क्लास या उससे नीचे के जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, उनके लिए कुछ इस तरह का बजट बने कि उनको एजुकेशन और मेडिकल कम से कम फ्री मिल सके। बैठता सर, आप क्या उम्मीद लगाकर बैठे हैं? बजट है 5 तारीख को, प्राइवेट सेक्टर की तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं देता सर। प्राइवेट सेक्टर तो बस खाली बोर्ड के लिए है और कुछ नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में कोई ध्यान नहीं देना चाहता है। क्या होना चाहिए? सैलरियाँ होनी चाहिए सर। गवर्नमेंट में महंगाई भत्ता बढ़ता है, सब कुछ बढ़ता है, प्राइवेट में कोई कुछ नहीं बढ़ता है। सब बेकार है, कुछ नहीं है। प्राइवेट खाली एक मजदूर है, मजदूर की तरह रहते हैं, कुछ भी हो। बिल्कुल, कुछ लोगों को उम्मीदें हैं, कुछ लोगों को सरकार से उम्मीदें नहीं है। अब बताएं मैम, 5 तारीख को बजट पेश होने वाला है, कितनी उम्मीद लगाकर बैठे हैं और क्या होना चाहिए? सर देखिए, उम्मीद तो बहुत सारी है मिडिल क्लास के लिए स्पेशली, कि हमें बहुत सारी चीज़ों में कंसेशन चाहिए। इतनी कीमतें हाई हो चुकी हैं, हम चाहते हैं कि उन कीमतों में थोड़ा सा, कम से कम थोड़ा सा तो आए कि हम उनको परचेज कर सकें, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसानी से गुजार सकें। जो हमारे किराया लगता है पेट्रोल का, डीजल का, उनका किराया कम करवाएं ताकि हम लोग इजीली उसको सरवाइव कर सकें। और बात रहती है हमारी महिला सुरक्षा की, बहुत सारी सुरक्षा मिल रही है बट आज भी बहुत सारे ऐसे कोने हैं हिंदुस्तान में जहां रेप जैसी घटनाएं हो रही हैं, जो बहुत शर्मनाक घटनाएं हो रही हैं, बट इसको रोका जाए ज़्यादा अच्छा है।